नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित में पाठ छह कोण का प्रश्न संग्रह 24 करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 24। प्रश्न संग्रह 24 को करने के पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। ये दिया गया पार्ट 6 कोण, उसमें देखो ये कोण दिया गया है, ये कौन सा कोण है, ये समकोण कोण है। समकोण का मतलब क्या हो गया, जो 90 अंश का कोण रहता है वो समकोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, देखो ये न्यून कोण है, जो 90 अंश से कम होता है वो कौन सा कोण हो जाएगा, वो न्यून कोण हो जाएगा। और जो 90 अंश से ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, वो अधिक कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया गया है और आपको यहाँ पे लिखना है कि ये समकोण है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखो ये अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं तो ये क्या है, 90 अंश से ज्यादा बन रहा है, 90 अंश यहाँ पे बनेगा तो 90 अंश से ज्यादा बन रहा है तो कौन सा कोण होगा, ये आएगा हमारा अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक कोण। अब यहाँ पे देखोगे या तो इसको चांदा से भी माप सकते हो, ये क्या है, ये 90 अंश से कम बन रहा है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, ये आ जाएगा न्यून कोण, ये आएगा न्यून कोण। अब यहाँ पे देखोगे ये पूरा 90 अंश का बन रहा है तो ये 90 अंश का बन रहा है तो कौन सा कोण होगा, ये आएगा समकोण। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये कौन सा है, ये देखो ये 90 अंश से ज्यादा हो रहा है, ये क्या आंसर हो जाएगा, ये अधिक कोण हो जाएगा, अधिक कोण। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये 90 अंश से ज्यादा है, ये भी क्या हो जाएगा, ये होगा अधिक कोण, अधिक कोण। और ये क्या है, 90 अंश से कम है तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, न्यून कोण। कुछ इस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखोगे प्रश्न संग्रह 24 में क्या दिया गया, नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। यहाँ पे आकृति दिया गया, यहाँ पे कोण का नाम दिया गया, यहाँ पे कोण का शीर्ष बिंदु है और कोण की भुजाएं हैं, हमको ये सब भरना है। तो यहाँ पे देखोगे ये कौन सा कोण है, पी क्यू आर, और उसी का उल्टा लिख दिया है आर क्यू पी, मतलब इसको दोनों तरफ से हम लोग पढ़ते हैं। देखो पी क्यू आर और आर क्यू पी, तो यहाँ पे उसी तरीके से देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यल एम एन और यन एम एल हो जाएगा। यहाँ पे लिखोगे कोण यल एम एन अथवा कोण यन यम यल, देखो पहले यल से चालू किया, यल यम यन, फिर यन यम यल हो गया, ठीक है। अब इसका भी वैसे भर लो, यस यू टी और टी यू यस, यहाँ पे कोण हो जाएगा कोण यस यू टी अथवा कोण टी यू यस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया, कोण का शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पी क्यू आर में जो ये जहां पे कोण बनता है वही उसका क्या होता है, शीर्ष बिंदु होता है। तो यहाँ पे कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे शीर्ष बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और यहाँ पे कहाँ कोण बन रहा है, यू पे बन रहा है, तो ये हो जाएगा यू। अब क्या बोला गया, कोण की भुजाएं, तो देखो भुजा पी क्यू और क्यू आर था, तो यहाँ पे क्या भुजा बनेगा, एल एम और एम एन। यहाँ पे लिखोगे भुजा यल यम तथा भुजा एम एन बन जाएगा, एम एन बनेगा। इसमें कौन सी भुजा आएगी, यस यू और यू टी, भुजा यस यू तथा भुजा यू टी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 24 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 24 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।